अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मैंने गुज़िश्ता रोज़ नोट कॉपी पे वावल वर्ड्स बताए थे कि वावल वर्ड्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा, इसका एच डब्ल्यू भी किया होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि वावल वर्ड्स 5 हैं, कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, और ये हमने तमाम वर्ड्स स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी हम ए बी सी स्मॉल लेटर में कर रहे हैं। ठीक है, वावल वर्ड्स। अब इधर आप आ जाएं बुक की तरफ। मैंने आपको दो रीडिंग के लिए वर्ड्स दिया था, ए डबल पी एल ई एप्पल, बी ई डबल एल बेल। ये दो वर्ड्स दिए थे और आपने रेगुलरली इनको स्पेलिंग से याद करना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये दो वर्ड कंप्लीट कर लिए होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी कि वावल वर्ड्स के साथ क्या वर्ड इस्तेमाल होते हैं। इधर ऊपर देखें, रीड एंड आस्क, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ ए, इट इज़ एन। यानी कि आपने ए को इस्तेमाल करना सीखना है और एन को। तो मैंने आपको बताया था कि वावल वर्ड कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 वावल वर्ड्स हैं। तो आपने पहला जो वर्ड किया था एप्पल, एप्पल, आई होप कि आपने इसके स्पेलिंग याद कर लिए हैं। आज मैं आपको समझाऊंगी कि वावल वर्ड के साथ ए लगेगा या एन। आपने देखना है एप्पल के फर्स्ट लफ्ज़ को, एप्पल के फर्स्ट लफ्ज़ को, कि एप्पल का पहला स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से। किधर से स्टार्ट हो रहा है, ए से। ठीक है, ए के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ए क्या है, वावल वर्ड। वावल वर्ड के साथ हमेशा एन यूज़ होता है, वावल वर्ड के साथ हमेशा ए एन एन यूज़ होता है। अब इधर नेक्स्ट की तरफ आ जाएं, बी ई डबल एल बेल। तो आपने बेल का पहला लफ्ज़ देखना है क्या है, बी। बी वावल वर्ड है, आप ज़रा यहाँ गौर कीजिए, बी है यहाँ पर वावल वर्ड में, बी यहाँ पर है, नहीं है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो आपने अब क्या इसको करना है कि बी वावल वर्ड नहीं है, तो आपने इसके साथ ए का इस्तेमाल करना है। जो वावल वर्ड्स हमेशा, इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें, जो चीज़ वावल वर्ड होती है, जो जो भी ये एप्पल है, बेल है, इसका फर्स्ट लफ्ज़ देखना है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से। तो एप्पल का जो ए है ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वावल वर्ड है, इसके साथ हमने एन यूज़ करना है। बेल जो है बी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने इसके साथ ए यूज़ करना है। नेक्स्ट आज का आपका ये रीडिंग है, काओ, सी ओ डब्ल्यू, काओ। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको मैं जितने भी वर्ड्स दे रही हूँ उसको विद स्पेलिंग याद कीजिए। और आज मैं आपको नोट कॉपी पे, आज का ये आपका रीडिंग है, वर्क है, इसको लर्न अच्छी तरीके से करना है, लेकिन मैं आज आपको कॉपी पे बताऊंगी जो आपने एप्पल और बेल किया है उसके साथ ए और एन कैसे लगाना है। आपने ऊपर सी डब्ल्यू लिखना है, यहाँ पर आपने मंडे की डेट डालनी है, 13 April 2020। यूज ए एंड एम। ठीक है, आपने यूज़ ए एन एन का इस्तेमाल सीखना है, यूज़ ऑफ ए एन, ए एंड और एन। फर्स्ट है आपने याद किया है गुज़िश्ता
रोज एप्पल ए डबल पी एल ई एप्पल। अब हम इसको सेंटेंस बनाएंगे आई टी इट इज आई एस इज, यहाँ डैश ऐसे छोड़ दें, यहाँ आप एप्पल के स्पेलिंग लिख लें। ठीक है, तो एप्पल का फर्स्ट लफ्ज क्या है? ए, और ए हमारा क्या है? वॉवल वर्ड ए ई आई ओ यू। ए हमारा क्या है? वॉवल वर्ड है, तो हमने ए के साथ क्या यूज करना है? एन, ए एन एन। अब आपने इन तीन लाइंस में इसी को, इसी सेंटेंस को लेड पेंसिल से रिवीजन करना है। ठीक है, लिखना है इसको। ठीक है, अब मैं अगली लाइन पे आ जाती हूँ। आगे मैंने आपको अगला जो रीडिंग के लिए दिया था बेल, बी ई डबल एल बेल। अब हम इसको लिखेंगे आई टी एच आई एस इज, यहाँ पे डैश छोड़ दें, बी ई डबल एल बेल, यहाँ पर बेल बना लिया हमने। अब आपने देखना है कि बेल का फर्स्ट लफ्ज क्या है। बेल का फर्स्ट लफ्ज बी है, तो बी हमारा वॉवल वर्ड है। आप जरा ऊपर तवज्जो दें, बी हमारा वॉवल वर्ड है, नहीं है यहाँ पर, बी नहीं है, तो बी आम वर्ड है, तो हमने इसके साथ यूज ऑफ ए करना है, ए का इस्तेमाल करेंगे। वॉवल वर्ड के साथ एन यूज होगा और बकाया जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके साथ आपने ए यूज करना है। ए बी सी आपने याद की हुई है, उसमें से आपने पांच वॉवल वर्ड्स जहन नशीन कर लेने हैं, उनके साथ आपने एन पुट करना है और जो बकाया वर्ड्स रह जाएंगे उसके साथ ए यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ए। आपने इसी को नीचे लेड पेंसिल से रिपीट करना है। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि आज हमने काउ पढ़ा है तो उसको भी हमने सेंटेंस में शामिल करना है। तो आपने आई टी एच आई एस एस काउ की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, आपको काउ के स्पेलिंग जुबानी याद होने चाहिए। अब आपने देखना है कि ऊपर वॉवल वर्ड्स लिख लें पेंसिल से, ए ई आई ओ यू। अब आपने देखना है सी वॉवल वर्ड है, नहीं है। काउ किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। तो फर्स्ट लफ्ज देखना है क्या वो वॉवल वर्ड है, यहाँ पे देख लें, नहीं है, वॉवल वर्ड में नहीं है, तो ये क्या है? हमारा आम वर्ड है, तो हमने इसके साथ क्या यूज करना है? ए, ए यूज करेंगे। ठीक है, अब आपने इसको पेंसिल से नीचे अच्छी तरीके से लिखना है, नीट नीट राइटिंग में, या आपका एच डब्ल्यू है, और इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। आई होप के आपको आज का काम समझ आ गया होगा। तो आपको वॉवल वर्ड्स अच्छे तरीके से आने चाहिए, और आपको ये भी पुट करना आना चाहिए कि वॉवल वर्ड के साथ क्या यूज़ होगा और आम वर्ड के साथ क्या यूज़ होगा। तो आपने वॉवल वर्ड के साथ ए एन एन यूज़ करना है और बाकी अल्फाबेट्स जो रह जाएंगे उनके साथ ए यूज़ करेंगे। शुक्रिया।